नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रभाग के तत्वावधान में मंगलवार को मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रांगण में आपदा प्रबंधन के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा, आग से बचाव, हवाई हमले से बचाव व रेस्क्यू के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा हवाई हमले, आग से बचाव व रेस्क्यू का मॉक ड्रिल भी किया गया, जिसके संबंध में नागरिक सुरक्षा के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप शहर के विभिन्न विद्यालयों में आपदा प्रबंधन, अग्निशमन व उपायों से संबंधित प्रशिक्षण नागरिक सुरक्षा द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रदर्शन करके संभावित खतरों से बचाव व तैयारियों को भी देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में नागरिक सुरक्षा, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग एवं विभिन्न बचाव टीमों के मध्य समन्वय बनाकर मॉक ड्रिल की जाती है। मॉक ड्रिल में पीड़ित व आहतों को निकालने के तरीके बताए गए। हमले से हुए धमाकों व धुएं की स्थिति में बेहोश आहतों को निकाल कर दिखाया गया। इस अवसर पर सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश यादव, डिविजनल वार्डन कोतवाली विकास जालान, विद्यालय के अध्यक्ष श्याम सुंदर सर्राफ, प्रबंधन ज्योति गोयल, प्रधानाचार्य माधव शरण चौरसिया, अर्चना पांडे, दिलीप सिंह, ICO डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, अनिल कुमार गोयल, कुमार आदर्श आनंद, पोस्ट वार्डन अनुपम गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, एजाज अहमद, सेक्टर वार्डन हुमैरा खातून, चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव, फैजान हुसैन खान, राजन चौरसिया, पंकज गौर सहित छात्र एवं अध्यापक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रभाग के डिविजनल वार्डन विकास जलान एवं नागरिक सुरक्षा कोर के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, गला घोट के मारने वाली विधि, नाक का गला घोट वही चल धीरे धीरे भागना नहीं है, धीरे बस चलो बच्चे का फोटो जरूर ले लीजिएगा, बोला है यहाँ पे
और इसको एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहे विकास जलान डिविजनल वार्डन कोतवाली। नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड द्वारा आग से बचाव व हवाई हमले के दौरान होने वाले बचावों के संबंधित यह ट्रेनिंग आज मारवाड़ इंटर कॉलेज में हमारे सहायक उपनियंत्रक श्री वेद प्रकाश यादव जी ने दी, और यह पूरा जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ है हमारे उपनियंत्रक श्री सत्य प्रकाश सिंह जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। और हमारा स्थापना दिवस कार्यक्रम 6 दिसंबर को होने वाला है, उसी श्रृंखला में आज हम लोग मारवाड़ इंटर कॉलेज में बमबार्डिंग से बचाव एवं आग से सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा उपचार इस संबंधित ट्रेनिंग यहाँ के छात्रों को दी गई। हम यह इस ट्रेनिंग के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं समाज को भी, बच्चों को भी, कि जो प्रशिक्षण आज हमारे अधिकारियों द्वारा यहाँ पर दिया गया है उस प्रशिक्षण को वो जो सीखे हैं, अगर कभी हमारे सामने कोई इस तरह की आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस आपदा में बचाव के लिए जो आज इन छात्रों ने ट्रेनिंग में सीखा उसको उपयोग में लाएं और अपनी सुरक्षा स्वयं करने का भी प्रयत्न करें। सत्य प्रकाश सिंह हूं और मैं डिप्टी कंट्रोलर नागरिक सुरक्षा। अभी विकास जी ने बताया जो कि कोतवाली डिवीजन के डिविजनल वार्डन है, और हमारे गजेट अफसर श्री वेद प्रकाश जी ने बहुत ही बखूबी यहां पर बच्चों को बताया कि किसी भी आपदा में किस प्रकार से अपना बचाव करें। इसी क्रम में हम लोगों ने इमरजेंसी में कैसी हमारी टीमें काम करती हैं, किस प्रकार से फायर टीम काम करती है, कैसे सिविल डिफेंस के लोग काम करते हैं, तो एक संयुक्त तत्वावधान में कह सकते हैं कि एक बहुत ही संक्षिप्त समय में इमरजेंसी में कैसे हमारी टीमें काम करती हैं। यही बात हमको अपने बच्चों को बताना था कि किसी भी अगर इमरजेंसी में अगर आप अपने को फंसे तो किस तरीके से इमरजेंसी रेस्क्यू कर लें, कैसे अपने आप से आग से बचा लें, और कैसे इमरजेंसी में आप किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड दे पाएँ। तो किसी भी आपदा में, किसी भी दुर्घटना में मुख्यतः तीन चीज़ें ही होती हैं, और इन तीनों चीज़ों से बच्चों को अवेयर किया गया। विद्यालय प्रबंधन है, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय खड़े हैं, आपका एक अनुरोध पत्र था कि हमारे बच्चों को ही बताया जाए कि किसी भी इमरजेंसी में हम लोग कैसे काम करते हैं। तो यही एक मकसद था कि हम लोग कोतवाली डिवीज़न के तत्वावधान में इस प्रोग्राम को रखा था, और एक संक्षिप्त कह सकते हैं कि समय में एक बेहतर मॉक ड्रिल का आयोजन वेद प्रकाश जी की टीम ने दिया है। थैंक यू वेरी मच सत्य प्रकाश सिंह उपनियंत्रक।